अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एम अपॉन आर स्क्वेयर, मतलब वैल्यू पुट करके 9.8 एट आईडीएच बोलेंगे आर प्लस होल स्क्वेयर, देन आता है वेरिएशन, पहले वेरिएशन ड्यू टू हाइट और अल्टीट्यूड, क्या होता है वेरिएशन ड्यू टू हाइट टेन बाय रूट एक्स माइनस वन, लेकिन जी एच इक्वल्स टू वन बाय और जी बाय एक्स दिया है तो रूट वन टाइम्स ऑफ आर, ठीक है। उसके बाद में वेरिएशन ड्यू टू डेप्थ, उसके लिए जी डी इक्वल्स टू बनेगा जी इन ब्रैकेट वन माइनस डी अपॉन आर, एंड डिराइव करते टाइम हमने यूज किया था रिलेशन फॉर डेंसिटी, क्या होता है जी इक्वल्स टू फोर बाय थ्री पाई रो जी इंटू आर, ठीक है। देन वहाँ पे डी इक्वल्स टू क्या होता है टू एच, मतलब जितने हाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उतना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कौन से डेप्थ पे होगा, डी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एच के ऊपर होगा, ठीक है। उसके बाद में वेरिएशन ड्यू टू शेप, उसके लिए क्या होता है इक्वेटर की रेडियस ग्रेटर है एज दैट ऑफ पोल की रेडियस बाय 21 किलोमीटर, उसकी वजह से क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स बिकम्स ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर, कितना होता है डिफरेंस जी पी माइनस जी इक्वल्स टू 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एंड वही वेरिएशन अगर ड्यू टू लैटिट्यूड या फिर रोटेशन चाहिए तो जी डैश बनेगा जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइ, जहाँ पे लैटिट्यूड होगा फाइ, इक्वेटर पे फाइ बनेगा, पोल पे बनेगा 90, ठीक है। इक्वेटर पे बॉडी को अगर वेटलेसनेस एक्सपीरियंस करना है तो ओमेगा विल बी इक्वल्स टू रूट ऑफ जी वाई आर या फिर 1/800 रेडियन पर सेकंड, मतलब पीरियडिक टाइम ऑफ द अर्थ बनेगा 1.4 आवर, और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी पी माइनस जी ड्यू टू रोटेशन कितना आता है 0.034 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दोनों का कंबाइन इफेक्ट देखेंगे तो 0.052 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देन ड्यू टू हाइट एब्सोल्यूट डिक्रीज चाहिए तो क्या होगा 2hg/r, एंड ड्यू टू अगर डेप्थ चाहिए तो hg/r, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका वेरिएशन खत्म होने के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटेंसिटी ड्यू टू और इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, क्या होता है फोर्स पर यूनिट मास। तो जो भी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के एप्लीकेशंस देखे थे एज इट इज एप्लीकेबल होंगे, बस वहाँ पे एक मास से क्या करना है डिवाइड करना है, ठीक है। उसके बाद में आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, कितना होता है माइनस ऑफ जी एम अपॉन आर, एंड उसके बाद में देखा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन आर, ठीक है। उसके बाद में आता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, कितना होगा जी एम एम इन ब्रैकेट 1/r1 - 1/r2, लेकिन एक बॉडी को अगर अर्थ के सरफेस से लिफ्ट कर रहे हैं एट हाइट एच पे तो एम जी एच इंटू आर अपॉन आर प्लस एच, लेकिन एच अगर मच लेस देन आर है तो एम जी एच, ये होती है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद में वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू थ्रो द बॉडी एट हाइट एच वी इक्वल्स टू रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस, हाँ श्रवण स्टैंड अप, वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू थ्रो द बॉडी एट हाइट एच शिरुडे क्या रूट टू जी एम एच जी एम एच है बरोबर रूट ऑफ एम एम अपॉन आर इन ब्रैकेट आर प्लस एच, एंड अगर एच इतनी हाइट पे बॉडी को जाने के लिए वेलोसिटी रिक्वायर्ड पूछेंगे तो वी स्क्वायर आर बाय शिरुडे सिट डाउन काय श्रवण बिगड़ला का परत, हाँ चलो नेक्स्ट। उसके बाद में देखा था नेक्स्ट पॉइंट दैट इज बाइंडिंग एनर्जी, क्या होता है बाइंडिंग एनर्जी, मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू गेट एस्केप फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस, एंड ये जो बाइंडिंग एनर्जी होती है ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ क्या होती है माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, मतलब जी एम एम अपॉन कैपिटल आर, लेकिन अगर वही एट हाइट एच पे फॉर रिवॉल्विंग सैटेलाइट चाहिए तो क्या होगा जी एम एम अपॉन 2r होगा, ठीक है, वेयर स्मॉल आर इक्वल्स टू आर प्लस एच होगा, ठीक है। उसके बाद में सैटेलाइट देखा था, क्या होता है सैटेलाइट, मतलब एनी बॉडी विच रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ और एनी बॉडी विच रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट उसको बोला जाता है सैटेलाइट, ठीक है। नेचुरल सैटेलाइट एंड आर्टिफिशियल, नेचुरल मतलब मून, आर्टिफिशियल
भरपूर है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, आर्टिफिशियल सैटेलाइट को हम जब प्रोजेक्ट करेंगे तो मिनिमम टू स्टेज रॉकेट होगा। फर्स्ट स्टेज रिक्वायर्ड हाइट पे लेके जाएगा, देन डिटैच होगा, देन सेकंड स्टेज 90 डिग्री से रोटेट करने के बाद इग्नाइट होगी, देन इट विल प्रोवाइड नेसेसरी टेंजेंशियल वेलोसिटी। उसके ऊपर डिपेंड करती है 5 केसेस, इफ गिवन वेलोसिटी इज लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी तो इलिप्टिकल पाथ एंड विल फॉल ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। उसके बाद गिवन वेलोसिटी इक्वल टू क्रिटिकल वेलोसिटी तो सर्कुलर पाथ, अगर गिवन वेलोसिटी ग्रेटर देन क्रिटिकल है बट लेस देन एस्केप वेलोसिटी है तो अगेन इलिप्टिकल पाथ, लेकिन अगर इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी है तो पैराबोलिक पाथ एंड ग्रेटर देन एस्केप है तो हाइपरबोलिक पाथ फॉलो करके अर्थ के ग्रेविटी को छोड़ के चला जाएगा सैटेलाइट फॉर एवर, ठीक है। उसके बाद में क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी होती है, रूट ऑफ जी एम अपॉन आर, ठीक है। एंड अगर वेरी क्लोज टू द सर्फेस ऑफ अर्थ रिवॉल्व हो रहा है तो उस केस में 7.92 या फिर 8 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। एंड उसके बाद में एस्केप वेलोसिटी भी देखी थी, क्या होती है एस्केप वेलोसिटी, मतलब मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू एस्केप फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस कितनी होती है, एस्केप वेलोसिटी रूट ऑफ 2gm अपॉन r, ठीक है। और वहाँ पे देखा था एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉडी, इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। उसके बाद में अगर गिवन वेलोसिटी बॉडी को जो दी हमने लेस देन एस्केप वेलोसिटी है तो इट विल अटेन सर्टन हाइट देन विल फॉल ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, अगर गिवन वेलोसिटी इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी है तो विल एस्केप, एंड अगर ग्रेटर देन एस्केप वेलोसिटी है तो विल एस्केप विद रिजल्टेंट वेलोसिटी v इक्वल्स टू रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस v का स्क्वायर। देन प्लैनेट विल हैव एटमोसफियर इफ VRMS इज लेस देन एस्केप वेलोसिटी, एंड प्लैनेट विल नॉट हैव एटमोसफियर इफ इज ग्रेटर देन एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद में ब्लैक होल होता है, एनी बॉडी ऑन द सर्फेस ऑफ विच एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी इवन लाइट कैन नॉट एस्केप फ्रॉम द सर्फेस ऑफ ब्लैक होल, इसलिए वो ब्लैक अपेयर होते हैं, ठीक है। एंड अगर अर्थ को ब्लैक होल बनना है तो अर्थ की रेडियस कितनी रिक्वायर्ड है, 9 मिलीमीटर, इन द रेंज ऑफ 9 मिलीमीटर, ठीक है। फिर ब्लैक होल हो गया, अर्थ ब्लैक होल बन गई, एंड उसके बाद में क्या देखा था लास्ट पॉइंट, फिर एक बार क्रिटिकल वेलोसिटी आ गई, उसके ऊपर से एंगुलर वेलोसिटी, क्या होती है एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा इक्वल्स टू वी बाय आर, मतलब ओमेगा इक्वल्स टू बनेगा रूट ऑफ जी एम अपॉन आर का क्यूब, उसके ऊपर से पीरियोडिक टाइम चाहिए तो क्या बनेगा 2π√r³ अपॉन, उसके ऊपर से एच चाहिए तो एच कितना बनेगा माइनस आर। उसके बाद में लास्ट पॉइंट एंगुलर मोमेंटम, और वहाँ पे लिखा था कि एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ आर का रूट ऑफ आर, ठीक है, और ये डी वर्क, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट ग्रेविटेशन। अभी लास्ट पॉइंट बचा है दैट इज केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, केपलर्स प्लैनेटरी मोशन, केपलर लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन मतलब कि सन के सराउंडिंग में प्लैनेट कैसे मोशन परफॉर्म करते हैं, इससे रिलेटेड केपलर ने जो लॉ एक्सप्लेन किए हैं उनको हम बोलते हैं कि केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ठीक है। राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट लॉ, Every planet revolves around the sun. Every planet revolves around the sun into an elliptical orbit. Every planet revolves around the sun into an elliptical orbit where sun is situated at one of the foci, where sun is situated at one of the foci, sun is situated at one of the foci. क्या लिखा, वेयर सन इज सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकस,
नेक्स्ट नंबर टू, एरिया कवर्ड बाय द प्लैनेट पर यूनिट टाइम. एरिया कवर्ड बाय द प्लैनेट पर यूनिट टाइम कॉन्स्टेंट रिमेन्स कॉन्स्टेंट. दैट इज एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट रिमेन्स कॉन्स्टेंट. एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट रिमेन्स कॉन्स्टेंट. That is dA upon dt, dA upon dt, dA upon dt remains constant. dA upon dt remains constant. dA upon dt remains constant. अब बोर्ड पे ध्यान दो. फर्स्ट लॉ में क्या एक्सप्लेन किया है कि हर एक प्लैनेट जो है वो सन के सराउंडिंग में रिवॉल्व करता है इनटू एन इलिप्टिकल. अब इलिप्टिकल ऑर्बिट म्हणजे जसं सर्कल असतं तसंच इलिप्टिकल. ठीक है, तो इस पाथ के अलोंग क्या करते हैं, हर एक प्लैनेट अपनी मोशन परफॉर्म करते हैं. जहां पे सन जो है ऐसे सर्कल को जैसे दो एक सेंटर होता है, वैसे इलिप्स को दो सेंटर होते हैं एंड इनको हम बोलते हैं एज ए फोकस फोकाई बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे दोनों में से एक फोकाई पे कौन होगा, सन होगा. ठीक है, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू बोथ द फोकस, इसको बोला जाता है एज ए क्या होता है, ये इलिप्स का मेजर एक्सिस. क्या होता है, मेजर एक्सिस. देन यहाँ पे और एक एक्सिस होता है, इसको बोला जाता है माइनर एक्सिस. मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस. अब यहाँ पे क्या होगा, देखो ये अगर मेजर एक्सिस है तो इसकी टोटल लेंथ बनेगी 2a और ये जो माइनर एक्सिस है इसकी टोटल लेंथ बनेगी 2b. यहाँ से ये जो डिस्टेंस है इसको बोला जाता है एज ए a. तो a मतलब क्या बनेगा, सेमी म्हणजे अर्धा मेजर एक्सिस. तो a मतलब कौन हो गया, सेमी मेजर एक्सिस. देन अगर यहाँ पे सन का ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इससे डिस्टेंस अगर हम c कंसिडर करेंगे तो इलिप्स की केस में एक कांस्टेंट होता है इलिप्स ड्रॉ करने के लिए जिसकी रिक्वायरमेंट होती है उसको बोला जाता है इसेंट्रिसिटी यानी ई. ये ई इक्वल्स टू होता है सी बाय ए. कितना होता है इसेंट्रिसिटी, सी इक्वल्स टू सॉरी ई इक्वल्स टू सी अपॉन ए. ठीक है, नीट वाले गरजेचं नाही, जे वाले फक्त मॅथ्स येणार आहे म्हणून पहिले तुम्हाला इंट्रोडक्शन पाहिजे. झालंय कोणिक्स, ठीक आहे बस एवढंच पाहिजे, याच्यावर काही क्वेश्चन येत नाही काहीच नाही. इसेंट्रिसिटी क्या होता है, सी बाय ए, काही गरज नाही. ठीक आहे, काय असते इसेंट्रिसिटी दिलेली असते. यहाँ पे फर्स्ट लॉ में क्या बोला है कि इस प्लैनेट मतलब इस इलिप्टिकल पाथ के अलोंग परफॉर्म करते, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था, एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इनटू एन इलिप्टिकल ऑर्बिट वेयर सन इज सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकाई. सेकंड लॉ में क्या देखा हमने, एवरी प्लैनेट स्वीप्स आउट और कवर्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. इसका मतलब क्या होता है, देखो हम किसी भी एक प्लैनेट की पोजिशन लेंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इनिशियली प्लैनेट था ए के ऊपर और उसके बाद में ये प्लैनेट गया बी पे, तो यहाँ से ए से लेके बी तक जाने के लिए उसको टाइम अगर टी वन लगा है तो उसके बाद अगर इसको सन के पोजीशन से कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे जो एरिया शेडेड पोर्शन में दिख रहा है सपोज ए, ये एरिया बनेगा ए वन. उसके बाद में अगर सपोज सैटेलाइट या फिर प्लैनेट जो है वो सी से लेके डी तक ट्रैवल कर रहा है और इनको भी अगर हम सन से कनेक्ट कर देंगे तो इस बिटवीन जो भी एरिया कवर हो रहा है उसको अगर हम A2 बोल देंगे तो यहाँ पे टाइम लग रहा है वो कितना है, T2 है. तो अगर यहाँ पे कंडीशन ये है कि सपोज A1 एंड A2 बोथ आर सेम, ये दोनों एरियाज अगर इक्वल है तो उस केस में इनको कवर करने के लिए लगने वाला टाइम भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, T1 इक्वल्स टू बनेगा T2. यानी कि एरियल वेलोसिटी एरिया कवर्ड पर यूनिट टाइम यहाँ पे क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है. मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर ये डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा. ठीक है.
ठीक है, ये होता है केपलर का सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मूवमेंट का। फिर ये पोजीशन कहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी पोजीशन आपको ली, सपोज ये ई से लेके एफ है एंड इसको अगर हम सन के पोजीशन से कनेक्ट करेंगे, शेडेड पोर्शन का जो एरिया है इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ये अगर ए थ्री है इसको कवर करने को जो टाइम लगा था वो अगर टी थ्री है तो इसमें क्या होगा, अगर ए वन ए टू एंड ए थ्री अगर सेम है तो टी वन एंड टी टू टी थ्री भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। मतलब पाथ के अलॉन्ग कहीं पे भी जो एरिया कवर करने के लिए टाइम लगता है वो क्या होता है, सेम होता है। मतलब एरिया कवर्ड पर यूनिट टाइम विल बी सेम एवरीवेयर, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे देखो सेम कंडीशन को अगर हम यहाँ पे रीड्रॉ करेंगे, सपोज ये इलिप्स है और इस पाथ के अलॉन्ग प्लैनेट क्या कर रहा है, अपनी मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, ये पोजिशन ऑफ सन है। हम एज्यूम करते हैं कि प्लैनेट ने क्या किया है, अपनी मोशन एक पॉइंट है ए, ए से लेके ए डैश तक उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या होगी कि ए से लेके ए डैश जब तक वो ट्रैवल कर रहा है तब तक एरिया कितना कवर करेगा, देखो ये ट्रायंगल का हाइट बनेगा, ये बेस बनेगा, ठीक है, मतलब क्या बनेगा, एरिया 1/2 इंटू आर वेक्टर, मतलब पोजीशन वेक्टर है, इंटू ये ए इंटू ए डैश, ये डिस्टेंस अगर एस है तो हम इसको वी इंटू डी टी ऐसे लिख सकते हैं। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस क्या बनेगा, स्पीड इनटू टाइम। वी अगर स्पीड है उसकी ए से लेके ए डैश तक तो टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, एस इतना डिस्टेंस कवर करेगा, यानी कि हम एरिया को यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू आर वेक्टर इंटू वी वेक्टर इंटू डी टी, बट यहाँ पे आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, या फिर इसको आर इंटू वी था तो वी को बस मैं रिप्लेस कर रहा हूँ पी वेक्टर अपॉन एम से। ये कैसे रिप्लेस किया मैंने, p मतलब क्या है, लीनियर मोमेंटम, क्या होता है लीनियर मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या बनेगी, मोमेंटम अपॉन मास। मतलब यहाँ पे da by dt अगर कांस्टेंट है तो da by dt के कांस्टेंट होने से यहाँ पे ये 1/2 इनटू ये r अपॉन या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, L अपॉन 2m इंटू dt, ये भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब ये L कहाँ से आ गया, L का मतलब क्या है, एंगुलर मोमेंटम, क्या होता है एंगुलर मोमेंटम, r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर, मतलब प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड रेडियस। मतलब यहाँ पे L अपॉन 2m क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, इसलिए ये जो सेकंड लॉ है ये रिप्रेजेंट करता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्या रिप्रेजेंट करता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का काय केलं आपण, ही प्रोसेस नाही जरी कळाली फक्त याच्यामध्ये स्टार मार्क करून लिहिले ते लक्षात ठेवा, केपलर का सेकंड लॉ क्या रिप्रेझेंट कर रहा है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक आहे। अँड नाऊ नेक्स्ट राईट डाऊन थर्ड पॉइंट, थर्ड लॉ स्क्वेअर ऑफ पिरियड ऑफ रिव्होल्यूशन, स्क्वेअर ऑफ पिरियड ऑफ रिव्होल्यूशन, स्क्वेअर ऑफ पिरियड ऑफ रिव्होल्यूशन, square of period of revolution is directly proportional to the cube of semi major axis। यहाँ पे सेमी मेजर एक्सिस को हमने ए बोला था, यानी ये क्या बनेगा, टी स्क्वेयर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, दैट इज टी स्क्वेयर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, हो गया लिख के। अब इसका सिंप्लीफिकेशन हम क्या कर सकते हैं कि टी टू अपॉन टी वन का स्क्वेयर इक्वल्स टू ए टू अपॉन ए वन का क्यूब। जैसे कि आपको बोला जा रहा है कि सपोज एट द मोमेंट अर्थ सन के सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रही है तब उसका पीरियोडिक टाइम कितना है, वन ईयर, एंड अगर आपको पीरियोडिक टाइम कैलकुलेट करना है ई सेपरेशन बिटवीन सन एंड अर्थ डबल हो गया तो, क्वेश्चन कैसे आते इसके ऊपर कि ई सेपरेशन बिटवीन अर्थ एंड सन गेट डबल एज दैट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू देन न्यू पीरियड ऑफ टाइम विल बी और लेंथ ऑफ न्यू ईयर विल बी, क्या करना पड़ेगा, यही फॉर्मूला है। तो T2 मालूम नहीं है, T1 कितना है, 1 है, इसका क्या कर रहे हैं स्क्वेयर, A2 कितना है, ट्वाइस ऑफ A1, तो ये बनेगा ट्वाइस ऑफ A1 अपॉन A1, इसका क्या करना है क्यूब, तो A1 A1
कट, तो टी टू का स्क्वायर इक्वल्स टू टू का क्यूब मतलब 8, रूट लेंगे तो टी टू कितना हो गया, टू रूट टू ईयर्स, टू रूट टू मतलब 2.8 ईयर। अगर सेपरेशन डबल हो गया तो कितना टाइम लगेगा, अगर सेम कंडीशन में आपको बोला है कि सेपरेशन जो है वो हाफ हो गया, मतलब ए टू बन गया ए वन बाई टू, तब न्यू लेंथ ऑफ द ईयर विल बी, चलो करो सॉल्व। रूट 0.12 क्या होगा फिर से, टी टू बाई टी वन का स्क्वेयर इक्वल्स टू ए टू बाय ए वन का क्यूब। अब टी टू टी वन तो वन है तो ये टी टू का बनेगा स्क्वेयर, ए टू बाय ए वन कितना आएगा, वन बाई टू का क्यूब। अरे ए टू कितनी है, ए वन बाई टू, तो ए वन कट होके वन बाई टू, वन बाई टू का क्यूब, तो टी टू इक्वल्स टू क्या बनेगा, वन अपॉन टू रूट टू ईयर। This will be the length of काय ईयर when separation becomes half. हे लिहायचं का मागचं झालं लिहून, सर्कल नहीं टूट गया थी हिली संगीत अजू दिन कब तक करें, चलो हो गया काय झाला अथर्व, सकाळी सकाळी मासा का बसला, काय युक्रेनचं टेन्शन आलं तुला, नाही ना, सकाळी सकाळी मेडिटेशन करत जा बेटा अथर्व, कळलं ना, बघत त्याला सांग कसं करतो मेडिटेशन ते। चलो ये तो लिख लिया था ना, मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, उससे रिलेटेड हमने अभी डिस्कस किए, क्या डिस्कस किया हमने, केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। क्या होता है केपलर्स लॉ का फर्स्ट, केपलर का फर्स्ट लॉ, एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इनटू एन एलिप्टिकल ऑर्बिट वेयर सन इज सिचुएटेड एट
वन ऑफ द फोकाय, ठीक है. सेकंड वन एरिया कवर्ड पर यूनिट टाइम रिमेन्स सेम और रिमेन्स कॉन्स्टेंट, दैट इज डी ए बाई डी टी विल रिमेन्स कॉन्स्टेंट. अगर डी ए बाई डी टी कॉन्स्टेंट है तो वहाँ पे हमने स्टार मार्क करके क्या लिखा है, एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व. क्या कंजर्व होता है, एंगुलर मोमेंटम. एंड थर्ड क्या था, स्क्वेयर ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है. तो यहाँ पे देखो इस तरह का कुछ केपलर्स लॉ है. काय है, सन म्हणजे कुठला पण एक स्टार है, ठीक है, आपण सन घेऊ. उसके बाद में ये कौन है, अर्थ, बॉल, ठीक है. अब ये अर्थ है, ये सन है, ये क्या करती है, सन के सराउंडिंग में इस तरह के अपनी मोशन परफॉर्म करती है, ठीक है. अब यहाँ पे सिर्फ मोशन दिखाई दे रही है और इस मोशन से रिलेटेड ग्रेविटी का फोर्स अगर देखेंगे तो ऑलवेज क्या है, देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, व्हाटएवर इट मे बी द पोजीशन, फोर्स की जो डायरेक्शन है कहाँ पे रहेगी, टुवर्ड्स ईच अदर रहेगी, ठीक है. ग्रेविटी के बाद में अगर वेलोसिटी देखेंगे तो वेलोसिटी ऑलवेज कहाँ पे होती है, टेंजेंशियल होती है, तभी बॉडी सर्कुलर मोशन या फिर इलिप्टिकल पाथ के अलॉन्ग अपनी मोशन परफॉर्म कर सकती है, ठीक है. तो किसी भी पोजीशन में अगर देखेंगे वेलोसिटी नॉर्मल है, किसको, सेंट्रिपिटल फोर्स को. यहाँ पे भी पकड़ के देखेंगे तो क्या होगा, सेंट्रिपिटल फोर्स मतलब कौन, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है. तो जिस डायरेक्शन में ग्रेविटेशन कुटे के लिए, अरे काय केला अपन, अरे खाऊन घेतलं काय, हां काय सर, मग दिसणार पण आता बाहेर काढायला, नवीन घेऊ आपण, आपल्याकडे काही कमी नाही, ठीक आहे. तर विंडो कर्टन क्लोज कर, तिथे भरपूर भरपूर सन आहेत, आपल्याकडे भरपूर अर्थ आहे, ठीक आहे. चलो ग्रॅव्हिटी का फोर्स का ऍक्ट होगा, टुवर्ड्स इच अदर. उसके बाद वेलॉसिटी का आप एक्ट होगी, तो ऑलवेज टेंजेंशियल, ठीक है. किसी भी पोजिशन पे अगर इसको देखना है तो क्या होगा, जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है उसको परपेंडिकुलर कौन है, वेलॉसिटी. अब उसके बाद में ये जो प्लैनेट अपनी मोशन परफॉर्म करेगा, इसका पाथ अगर हमें देखना है तो देखो पाथ का जो शेप है वो कैसा है. आज तो तुम्हाला वाटू शकतो की हा सर्क्युलर आहे म्हणून, ठीक आहे ना, कारण या केसमध्ये ना प्लॅनेट आणि स्टार जो काही आहे त्यांचे मासेस आपण त्या रेशोमध्ये नाही घेतले, बट या पे अगर हम प्लॅनेट का मास थोडासा बढा देंगे तो ये क्या होगा, सरकार से परत कळलं का काय झालं ते, कळतंय का. फर्स्ट लॉ, एव्हरी प्लॅनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन टू अन इलिप्टिकल ऑर्बिट. उसके बाद सेकंड वन क्या है, सेकंड लॉ अब इसको समझने के लिए मोशन को ध्यान से देखो. यहां से आगे क्या हो रहा है, यहां तक, इसके बाद में क्या हो रहा है, कहते का ऐसे क्यों हो रहा है. ये अगर सन की पोजीशन है, ये प्लैनेट की पोजीशन है,
तो ये जो लेंथ है जिसको हम पोजिशन वेक्टर बोल रहे हैं, वही कंडीशन में अगर यहाँ पे प्लैनेट की पोजिशन लेंगे और यहाँ का पोजिशन वेक्टर ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस के कंपेरिजन में एकदम छोटा है, समझ में आ रहा है ना। लेकिन गिवन टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्विफ्ट करना है, कवर करना है, तो इसका मतलब प्लैनेट को यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जो टाइम लगेगा उसमें जो एरिया कवर हो रहा है उतना ही एरिया कवर करने के लिए यहाँ पे पोजिशन वेक्टर की लेंथ कम है, इसलिए ये इतना सारा यहाँ पे ये एरिया अगर बन गया तो इक्वल बनेगा। मतलब यहाँ पे सी से डी तक लेंथ ज़्यादा है इसलिए प्लैनेट की स्पीड क्या होती है, इंक्रीज होती है। त्यामुळे इकडून जोरात पळतो इथे एकदम हळूहळू, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे अगर ये एरिया ए वन होगा, एरिया ए टू होगा, एंड अगर यहाँ पे ए वन इक्वल्स टू ए टू चाहिए तो कंडीशन क्या है, टी वन मस्ट बी इक्वल टू टी टू। इसलिए क्या होता है, सन के क्लोज आने के बाद ये प्लैनेट की स्पीड इस पोर्शन में ये मैक्सिमम होती है, रिमेनिंग पोर्शन में क्या होती है, कम होती है, ठीक है। कळलं का? यस नो? आता काय आहे असं? व्हेरी गुड। अर्थ के सराउंडिंग में कौन है, मून है, जिसका काम क्या है, अर्थ के बाजू में चक्कर मारना। और मून का जो पाथ है वो अगर विथ रिस्पेक्ट टू सन भी देखेंगे तो इस तरह से ये अपनी मोशन परफॉर्म करता है, ठीक है ना। मतलब सन का, सन के सराउंडिंग में मतलब स्टार के सराउंडिंग में प्लैनेट, एंड प्लैनेट के सराउंडिंग में कौन है, सैटेलाइट, ये क्या करते हैं अपनी इस तरह की मोशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट अर्थ अलिक काय बरं झालं ओळखलं तू, मला वाटलं ते ज्युपिटर वगैरे फिरायला लागला काय का ना अर्थ हुशार झाला देवेश पण हा। ये अपना कल का लेक्चर, ठीक है। सैटेलाइट क्या करता है, अर्थ के सराउंडिंग में ऐसे चक्कर मारता है, ठीक है। सैटेलाइट चलो अब यहां पे इस मोशन को ध्यान से ऑब्जर्व करो। कहते का वेलोसिटी मध्ये किती डिफरेंस येतो आहे, इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है वो सबसे मिनिमम होती है। क्या होती है, सबसे मिनिमम होती है, स्लो होता है, कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको इलिप्स के अकॉर्डिंग थोड़ा सा देखेंगे तो ये जो पॉइंट होता है यहाँ पे, ये सन के मतलब सन से सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे है, एंड दूसरा ये पॉइंट होता है ये सन से सबसे कम डिस्टेंस पे है। तो जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे है उस पॉइंट को बोला जाता है एपेक्स, नहीं रे एपोजी, एपोगी, एपोजी। एंड जो सबसे नियर है वो क्या बनेगा, पेरिगी। एपोगी मतलब अ, अ फॉर अवे, पेरिगी मतलब पी, पी फॉर पास, कहा लो। तो जो पॉइंट अवे था उस पे वेलोसिटी मिनिमम थी, सबसे कम थी, लीस्ट थी, एंड ये होती है रूट ऑफ जी एम अपॉन ए इन ब्रैकेट वन माइनस ई डिवाइडेड बाय वन प्लस ई। एंड जो पॉइंट एकदम क्लोज था, पास था, जहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, वो होती है रूट ऑफ जी एम अपॉन ए इन ब्रैकेट वन प्लस ई डिवाइडेड बाय वन माइनस ई। डिफरेंस क्या है, बस वहाँ पे वन माइनस ई अपॉन वन प्लस ई है, यहाँ पे वन प्लस ई अपॉन वन माइनस ई है, पढ़ लगा, ठीक है। ये कहाँ पे, पी पे, ये कहाँ पे, ए पे। चलो राइट डाउन, डायग्राम ड्रॉ करानी लिखून घ्या।
शंतनु काय बडबड झाली तुझी? चलो हो गया। संत मास एकदम कमी केला ना, अर्थ मास एकदम वाढवला, काय होईल? संत वाढवला ना अर्थ कमी केला, सन आपल्या पाथवर मोशन परफॉर्म नाही, सॅटेलाईट होतो ना अर्थवर फॉल होतो, तर प्लॅनेटवर जाऊन सॉरी स्टारवर जाऊन प्लॅनेट काय होणार आहे? फॉल होणार आहे। ठीक आहे, अब यहाँ पे देखो, सपोज ये मोशन चल रही है, सॅटेलाईट आहे, कुठे आहे सॅटेलाईट? सैटेलाइट है, अर्थ के सराउंडिंग में अपनी मोशन परफॉर्म कर रहा है इस पाथ के ऊपर। ठीक है, मतलब हमने इनिशियली जो डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हमने क्या किया था, अर्थ के सरफेस के ऊपर से ये जो सैटेलाइट था इसको यहाँ से वर्टिकली अपवर्ड यहाँ तक, मतलब ये बन गई H, फर्स्ट एज का यूज़ करके उसको लेके गए थे। देन फर्स्ट एज के बाद उसको क्या किया, रोटेट किया एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसको टेंजेंशियल वेलोसिटी दी है, जो हम यहाँ पे ये रेड एरो से देख सकते हैं। ठीक है, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी देने के बाद ये अगर इस तरह का सर्कुलर पाथ के ऊपर अपनी मोशन परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब सैटेलाइट का प्रोजेक्शन क्या हुआ, सक्सेसफुल हुआ। ठीक है, और इसके बाद में ये फॉरएवर के लिए इसी तरह से अर्थ के सराउंडिंग में अपनी मोशन परफॉर्म करता है। ठीक है, एंड अगर यहाँ पे सडनली कुछ ऐसे हो गया कि जिससे अर्थ की ग्रेविटी गायब हो गई, अर्थ की ग्रेविटी गायब हो गई तो क्या होगा? टेंजेंशियल पाथ पे मूव करेगा, वेरी गुड, बिकॉज उसकी वेलोसिटी कहाँ पे थी, टेंजेंशियल पाथ पे थी। ठीक है, जैसे कि अभी ग्रेविटी जाने वाली है डायरेक्ट वर्ड है ना, अगर ग्रेविटी आ गई फिर से पकड़ के लेके आएगा क्या? आएगा 100% आएगा, रिटर्न ऑब्जेक्ट आ गया। वैसे प्रैक्टिकली नहीं आएगा लेकिन यहाँ पे हम कुछ भी कर सकते तो आ गया। ठीक, इंडिया है तो कि नहीं, क्या हो गया? अभी फिर से यहाँ पे एक स्टार है, एक प्लैनेट है। आता संग देवेश काय करायचं? सन का मास डबल कर दिया, सन का आधा कर दिया, अनर्थ का डबल कर दिया। बर वेलोसिटी, मासेस, ठीक है, मास की कोई जरूरत नहीं, पाथ,
गेला उठतो. ठीक है, सन एंड प्लैनेट का मास अगर अर्थ कितना होगा, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, अर्थ डेज भी यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है. ठीक है, तो इट विल परफॉर्म इट्स मोशन अलोंग इलिप्टिकल पाथ. सर्कल वाटतं तुम्हाला ते बेटा, कारण थोडा डिफरन्स होतो, बट ॲक्च्युअल सनच्या पोझिशनपासून हे डिस्टन्स आणि हे डिस्टन्स मेजर केलं तो सेम नाही, डिफरंट आहे. अँड सन की बी ग्रॅव्हिटी सडनली, वन इयर कम्प्लीट झालं होतं आत्ता, सन की बी ग्रॅव्हिटी सडनली ऑफ हो गई तो चालली अर्थ पण फिरायला, है ना, पकडला बघ. क्या हो रहा है, ग्रेविटी एक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है, प्रॉब्लम थोड़ी थोड़ी हो रही है. कळलं का? सो ये थे ऑल अबाउट केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन. मेजरिंग टेप पण है अपने कड़े, है ना, तो इस पॉइंट पे सन का एंड अर्थ का डिस्टेंस कितना है नहीं मजे से अपने. चलो नेक्स्ट, राइट डाउन. इफ सेपरेशन बिटवीन अर्थ एंड सन, इफ सेपरेशन बिटवीन अर्थ एंड सन बिकम्स 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, becomes 1/4 of its initial value, 1/4 of its initial value, then length of new year will be, length of new year will be, length of new year काढायची म्हणजे काय काढायचं आपल्याला. चलो करो कैलकुलेट. टी टू कैलकुलेट करना है, टी वन कितना है, वन, ए वन ए लेना है, ए टू कितना है, ए बाय फोर. चलो आगे आंसर. यस नो, वन बाय टू टू, वन बाय एट काय इयर, चलो आगे सबका. नेक्स्ट क्वेश्चन, If a planet has mass, if a planet has mass 4 times as that of mass of Earth, 4 times as that of mass of Earth, and its radius is half of the radius of Earth. Its radius is half of radius of Earth. Then, what will be the escape velocity? What will be the escape velocity on the surface of planet? Radius kit sangitli hai? Radius, half. करो कैलकुलेट, एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी. क्या आ रहा है? क्वेश्चन में आपको बोला है मास ऑफ प्लैनेट अपॉन मास ऑफ द अर्थ,
कितना है 4 एंड रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट कितनी है 2। प्लैनेट की रेडियस अर्थ के रेडियस के हाफ है, म्हणजे आर पी अपॉन आर ई इक्वल्स टू 1/2 है, तो आर ई बाय आर पी क्या बनेगा 2 बनेगा। अब देखो एस के वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ 2gm अपॉन आर। तो अगर हम यहाँ पे रेशियो के फॉर्म में लेंगे एस के वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट अपॉन एस के वेलोसिटी फॉर अर्थ इक्वल्स टू क्या बनेगा रूट में मास ऑफ प्लैनेट अपॉन मास ऑफ अर्थ इंटू रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ प्लैनेट। अब इसमें अगर वैल्यूज पुट करेंगे तो मास ऑफ प्लैनेट अपॉन मास ऑफ अर्थ 4 इंटू 2, मतलब एस के वेलोसिटी ऑन द सर्फेस ऑफ प्लैनेट विल बी 2√2 टाइम्स ऑफ एस के वेलोसिटी ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। तो अर्थ के सर्फेस के ऊपर कितनी है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, एंड 2√2 का मतलब 2.8, तो 2.8 इंटू 11.2 नियर अबाउट 38 किलोमीटर पर सेकंड, इतनी वेलोसिटी बनेगी, इसके वेलोसिटी बनेगी ऑन द सर्फेस ऑफ गिवन प्लैनेट। अभी सेम इसके वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है ऑन द सर्फेस ऑफ मून, और उसके लिए कंडीशन गिवन है कि एम पी इक्वल्स टू 81 टाइम्स ऑफ एम ई, 1/81 टाइम्स, मतलब मास ऑफ द मून इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ मास ऑफ द मून इज 1/81 टाइम्स मास ऑफ द अर्थ एंड इट्स रेडियस इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। देन व्हाट विल बी द एस्केप वेलोसिटी ऑन द सर्फेस ऑफ मून, व्हाट विल बी द एस्केप वेलोसिटी ऑन द सर्फेस ऑफ मून, चलो करो कैलकुलेट। टू अंडर रूट 10, अंडर रूट 10 काढना किती येतो 452 क्या है, केपलर 452 सैटेलाइट है, नहीं माहिती, हा एक प्लैनेट है जिसके ऊपर लाइफ पॉसिबल है अर्थ के बाद में, ठीक है, राइट डाउन, इफ अ सैटेलाइट ऑफ मास, इफ अ सैटेलाइट ऑफ मास 200 kg, सैटेलाइट ऑफ मास 200 kg इज टू बी प्रोजेक्टेड इन द ऑर्बिट, इज टू बी प्रोजेक्टेड इन द ऑर्बिट एट हाइट टू थाउजेंड किलोमीटर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ,
एट हाइट 2000 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ. देन कैलकुलेट क्रिटिकल वेलोसिटी. देन कैलकुलेट क्रिटिकल वेलोसिटी फॉर द सैटेलाइट. करो कैलकुलेट. कितनी क्रिटिकल वेलोसिटी फॉर द सैटेलाइट? नहीं, क्या करना होगा? क्रिटिकल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी मतलब अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर. ठीक है, आर प्लस एच, स्मॉल आर लो बोलो या फिर आर प्लस एच बोलो. ठीक है, वी इक्वल्स टू बनेगा रूट ऑफ जी एम अपॉन आर प्लस एच. बट यहाँ पे यम मतलब मास ऑफ द अर्थ है, तो प्लैनेट 200 केजी का है या फिर 2 केजी का है या फिर 2000 केजी का है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पे वी ओनली डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द अर्थ. तो जी की वैल्यू कितनी होती है? 6.67 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 11. मास ऑफ द अर्थ कितना है? 6 इंटू 10 टू द पावर 24 डिवाइडेड बाय आर प्लस एच. कितना आ रहा है? 6000 आ रहा है, 6400. एच कितना है? 2000. तो कितना आ रहा है? 8.4 इंटू 10 टू द पावर 6 आ रहा है. ठीक है, मतलब कि सिंप्लीफाई करेंगे तो 6.67 इंटू 6 मतलब 40 अपॉन ये कितना आ रहा है? 8.4 ब्रैकेट में. अब देखो माइनस 11 प्लस 24 प्लस 13 प्लस 6 ऊपर आके तो 13 माइनस 6 10 टू द पावर 7 प्लस 7. ठीक है, यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 40 डिवाइडेड बाय 84 इंटू 10 की पावर प्लस 8, क्योंकि डेसिमल शिफ्ट करके माइनस 1 आएगा, उधर जाके प्लस 1 हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पे रूट ऑफ 40 कितना होता है? रूट ऑफ 40 6.4 डिवाइड बाय रूट ऑफ 84 मतलब अराउंड 9.1 या फिर 9.2 इंटू बनेगा 10 की पावर 4. दिस विल बी योर आंसर. करा सिंप्लीफाई, आला 6/9 करा. 6/9 मतलब 2/3 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 6.7 किलोमीटर पर सेकंड. दिस विल बी द क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट एट ए हाइट. कितनी हाइट? 2000 किलोमीटर. चलो राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट. जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. जियो स्टेशनरी सैटेलाइट म्हणजे काय? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मतलब हाँ, जियो से सैटेलाइट. द सैटेलाइट उसका क्या होगा? राइट डाउन द सैटेलाइट हुज पीरियोडिक टाइम इज सेम. सैटेलाइट हुज पीरियोडिक टाइम इज सेम एज दैट ऑफ पीरियोडिक टाइम ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ. मतलब अर्थ को एक चक्कर मारने के लिए जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम उस सैटेलाइट को अगर लगेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. ठीक है, और अर्थ को लगता है 24 आवर्स, तो इसको भी कितना टाइम लगेगा? 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन. और इस सैटेलाइट की हाइट होती है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ 35,786 किलोमीटर. बट हम अप्रॉक्सीमेटली हर बार इसको 36,000 किलोमीटर कैलकुलेशन के लिए कंसीडर करते हैं. ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेशन हो गया फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ. यानी कि क्या है, देखो सपोज ये अर्थ है. अब अर्थ जिस डायरेक्शन में रोटेट होती है उसी डायरेक्शन में अगर एक सैटेलाइट रोटेट होगा तो क्या होगा? जब अर्थ के सरफेस के ऊपर ये पॉइंट यहाँ पे है, सैटेलाइट उसके ऊपर है, अर्थ रोटेट होके सेम पॉइंट इस पॉइंट के ऊपर आ गया, ये सैटेलाइट भी इसके ऊपर आ गया. अब थोड़ी देर बाद ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, सैटेलाइट यहाँ पे, सैटेलाइट यहाँ सोड़ते नहीं. यहाँ से देखेंगे सैटेलाइट ऊपर दिखेगा, फिर से यहाँ से देखेंगे अगेन सैटेलाइट ऊपर दिखेगा. मतलब अर्थ के सरफेस के ऊपर से देखेंगे तो हमें ऐसे लगता है कि वो सैटेलाइट क्या है?
स्टेशनरी है, अपेयर टू बी स्टेशनरी, इसको क्या बोला जाता है, इसलिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, एंड इसका काम क्या होता है, जैसे कि ये सैटेलाइट है तो ये कंप्लीट एरिया ये कवर करता है, तो यहाँ पे जो भी रिमोट सेंसिंग है या फिर जीपीएस होता है मोबाइल में, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, उस तरह के सारे जो कम्युनिकेशन पर्पज़ के काम होते हैं ये कौन करता है, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट करता है। ठीक है, ऐसे अगर तीन सैटेलाइट लॉन्च करेंगे तो ये तीन सैटेलाइट क्या करता है, 120, 120, 120, पूरा 360 डिग्री एरिया जो है वो कवर करते हैं अर्थ के सराउंडिंग। ठीक है, यूएस का है जीपीएस, उसके बाद सेम सिस्टम है रशिया की ग्लोनास, उसके बाद सेम सिस्टम यूरोपियन यूनियन बना रहा है दैट इज गैलीलियो, एंड इन सबके एडवांस सिस्टम इंडिया लॉन्च करने जा रहा है। 2021 का ही प्लान था लेकिन 3 ईयर्स का डिले है। ठीक है ना, तो वो लॉन्च होने के बाद तो मतलब क्लियरिटी रहेगी, इमेज सेंसिंग रहेगी, वो ना जीपीएस में थी, ना ग्लोनास में है, ना गैलीलियो में है। ठीक है, बट वो लॉन्च होगा तब समझ में आएगा, अभी लॉन्च हो चुका है लेकिन उसके लिए उन्होंने क्या किया, बस जो आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स है इनके नेविगेशन के लिए इंडियन बॉर्डर से रिलेटेड बस वहाँ पे प्रोसेसिंग मतलब दी है गवर्नमेंट को, बट अदर यूज़ के लिए, कॉमन यूज़ के लिए अभी लॉन्च नहीं किया। 2021-22 प्लान था लेकिन 3 ईयर्स डिले हो गया, 2-4 वर्ष थी उनसे। ये था जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। नाउ राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, वेटलेसनेस। वेटलेसनेस इन सैटेलाइट, वेटलेसनेस इन सैटेलाइट क्या होता है सैटेलाइट के अंदर, ग्रेविटेशन नस्तो, कौन मानता है ग्रेविटेशन नस्तो, क्या होता है सैटेलाइट के अंदर ग्रेविटेशन नस्तो का सर्व, ग्रॅव्हिटेशन मध्ये सॅटेलाइट मध्ये ग्रॅव्हिटेशन असतं का, असतं की नाही, जर ग्रॅव्हिटेशन नसेल तर सॅटेलाइट फिरेल का, आता बघितलं ना कसं पळून जातं म्हणून। ठीक आहे, वापे ग्रॅव्हिटेशन होता या नाही होता है, फिर भी वेटलेसनेस किंवा अति वापे, वेटलेसनेस मतलब हे बघा असं काहीतरी होतं, ठीक आहे बघून घ्या, एवढं कळतंय पण कळतंय का काय चालू आहे, काहीच कळत नाही आहे। सुनीता विलियम्स, कॅन्सल कॅन्सल झाले का, कॅन्सल। चलो राईट डाऊन, वेटलेसनेस इन ए सॅटेलाइट क्या होता है, वेटलेसनेस इन ए सैटेलाइट बेसिकली क्या होता है, देखो कि हमने देखा है कि जो वेट हमें मतलब अर्थ के सरफेस के ऊपर हम खड़े होते हैं तो उसके बाद क्या होता है, हमारा जो फोर्स है वेट है एम जी, ये कहाँ पे एक्ट होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसको अपोज कौन करता है, नॉर्मल रिएक्शन, एंड उसके बाद में हमें एम ए, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारी जो वेट है उसकी फीलिंग आती है। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है कि कोई बॉडी अगर सैटेलाइट के अंदर है, अब ये दिखा था हमने वैसे, सैटेलाइट के अंदर अगर कोई बॉडी है तो उस बॉडी के लिए ए जो है इक्वल्स टू जी बनता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के सिमिलर एक्सेलरेशन सैटेलाइट के ऊपर एक्ट होता है, इसलिए यहाँ पे ये एम जी माइनस एन इज इक्वल्स टू एम जी बनता है, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन बनती है एम जी माइनस एम जी इज इक्वल्स टू जीरो, यानी कि वहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन ही प्रोवाइड नहीं करने कर रहा है सरफेस, तो इसका मतलब क्या होगा, बॉडी को वेट की फीलिंग ही नहीं आएगी, मतलब इट विल एक्सपीरियंसेस वेटलेसनेस। ये कहाँ पे होता है वेटलेसनेस, सैटेलाइट के अंदर होता है या फिर
फ्रीली फॉलिंग सैटेलाइट में, सॉरी फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट में होता है, ठीक है। लिफ्ट में बैठ गए और लिफ्ट के अगर रोप्स कट करेंगे तो क्या होगा, वेरी गुड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये वेटलेसनेस होता है एंड दिस इज ऑल अबाउट ग्रैविटेशन, फक्त एवढाच होता ग्रैविटेशन, कळलं ना। त्यामुळे ज्यांनी व्यवस्थित प्रिपेअर केलं आहे टिल फ्रायडे, आजचं प्रिपेअर काही एवढं मोठं नव्हतं, है ना। तीन लॉ आहेत फक्त बेसिक बेसिक, ठीक आहे। उसके बाद आज एक वर्कशीट मिलेगी बेस्ड ऑन केपलर्स लॉज ऑफ प्लॅनेटरी मोशन देन क्रिटिकल वेलोसिटी, दो टाइप के क्वेश्चन उसमें रहेंगे। एंड मंडे टेस्ट विल बी देयर, मंडे की टेस्ट सिर्फ ग्रेविटेशन के ऊपर होगी, ठीक है ना। और क्वेश्चन जो है ना मॉड्यूल से रहेंगे ना वर्कशीट से रहेंगे, सारे सारे क्वेश्चन बाहर के। तो जितनी वर्कशीट दी है वो अच्छे से सॉल्व करो, उसके बाद में मॉड्यूल के जो क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट करो।